हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए जहाँ पर आपको जो भी डाउट होंगे विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, जैसा हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, ML वाला सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे, बीच में मैंने थोड़ा सा टेंजन नॉर्मल के वीडियोज डाल दिए तो आप लोग बहुत पैनिक कर गए। तो पैनिक मत करिए, एक्चुअली टाइम हमारे पास, जैसे कुछ लोगों का कमेंट है कि टाइम कम है, चैप्टर्स ज्यादा हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं सोचा कि दो चैप्टर अल्टरनेटिव लेकर चलता हूं मैं, एक एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स और एक डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पहुंच ही गए हैं। 4.6 जो हमारे पास सोल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है मतलब कि बोर्ड में भी पूछा नहीं जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी लगभग ये नहीं के बराबर है। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उसके बारे में जानना होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, तो उसका भी सोल्यूशन और उसका भी सोल्यूशन तो नहीं उसका थ्योरी मैं आपको क्लियर प्रोवाइड कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस को लिंक करके, ताकि वो भी आपके पास रहे अगर आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो। नहीं तो अगर उसको आप छोड़ भी देते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर हम लोग आगे आएंगे, अगर एक्सरसाइज नंबर 4.7 तो पूरा टिपिकल एक्सरसाइज होता है, आपको जानते हैं वो भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अब कुछ कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था मेरी टेक्निकल टीम जो बहुत बड़ी है एक आदमी की, तो वो टेक्निकल टीम जो हमारी है वो थोड़ा सा वर्क कर रही है कि IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें मिल जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता लॉकडाउन की वजह से सारे बुक स्टोर्स और सारी चीज़ें बंद है, तो हम लोग को इस ईयर के क्वेश्चन को पा पाने में थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर इस ईयर के भी क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं तो हम लोग उसको भी डालना शुरू करेंगे जैसे चैप्टर एंड होगा। उसके बाद IIT के क्वेश्चन जो आपके उस चैप्टर पर बेस्ड होंगे उसको भी सोल्यूशन का प्रोवाइड मैं करूँगा, और उस पर थ्योरी जो होगा उसको भी एडिशनल आपको मैं बताता रहूँगा। तो इसलिए टिपिकल के एक्सरसाइज मैं सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टिपिकल की जगह मैं IIT क्वेश्चन कराऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए ऑप्शन होगा। क्योंकि IIT के मेंस में भी क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड होते रहते हैं, एक ही हो, दो ही हो, चार ही हो, कोई मतलब नहीं है, उतने से भी आपका नंबर अच्छा आ सकता है। और पैनिक मत करिए भाई, डिटरमिनेंट का सोल्यूशन हमने शुरू किया तो खत्म जरूर करेंगे, ठीक है, इसकी चिंता आप एकदम मत करिए। जैसा आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर, मुझे जहां तक याद रहा, क्वेश्चन नंबर मैंने 5 तक आपको करा दिया था। अब आगे हम लोग अगर चलें क्वेश्चन नंबर 5 के आगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो देखिए हम लोग को दिया हुआ है, लिखा है स्टेट द कंडीशन अंडर विच द इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। स्टेट द कंडीशन अंडर विच द फॉलोइंग इक्वेशन अ यूनिक सॉल्यूशन। भाई यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस इसके अलावा और कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर सॉल्व करने को आपको बोल रहा है तो अब इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। स्टेट द अंडर विच द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो भाई जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए तो आते हैं हम लोग फटाक से सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए भाई, हमारे पास है एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड इक्वल टू माइनस फाइव, फिर हम माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फोर, माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू फोर। ठीक है भाई, ये हमारे पास आंसर हो गया। और भाई हमारे को बोला है, दो चीजें बोला है कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन है ये बताइए। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, इसको जो मैट्रिक्स होता है उसको क्या होना चाहिए, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, आपको बताया जा चुका है। तो भाई अगर हम लोग इसको लिखे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो 1 2 माइनस टू माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 एंड 1, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया भाई, एक्स वाई जेड, और दूसरा हमारे पास आ गया कितना, माइनस 4 एंड 4। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से मैच कर लूँ, क्योंकि तो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये कि क्वेश्चन मैं गलत नोट कर देता हूँ। माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1 1 2 माइनस 2 एंड 5 माइनस 5 माइनस 4 एंड 4। एक चीज थोड़ा ध्यान दिए होंगे, मैंने कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग को मैट्रिक्स फॉर्म में इक्वेशन को लिखना होगा तो उसमें जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको राइट हैंड साइड में होना चाहिए। ये चीज़ हमें दिमाग बैठा रहेगा, साइन से हमको मतलब नहीं है, साइन चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांस्टेंट पार्ट हमेशा राइट हैंड साइड में ही होना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स एक्स है, ये मैट्रिक्स बी है, ए एक्स इक्वल्स टू बी। अब हम लोग एक्स को निकालना है तो एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए इनवर्स बी। अब कंडीशन बोला है फॉर यूनिक सोल्यूशन, आप जानते हैं यूनिक सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग, अब भाई हम लोग डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग फटाक से निकालते हैं। देखिए कितना आता है हम लोग के पास, 1 3 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 2
इंटू टू, यह जगह पर 3 प्लस 2 माइनस 4 यानी कि 1। देखिए डिटरमिनेंट ए मेरा क्या है, 1, विच इज नॉन जीरो, देयरफॉर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को भाई, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए भाई, क्या चाहिए हमें, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका भी आपको पता है, इसको छोड़ा 3 आ गया, फिर माइनस लगा लिया, फिर यह आ गया आपके पास माइनस ऑफ 1, फिर यहां पर आते हैं ये छूटा, यहां पर 2 आ गया, फिर अगले पर आते हैं भाई, फिर माइनस 1 पर आए, माइनस 2 माइनस सॉरी 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस 2, फिर यहां पर आएंगे 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा ये, फिर यहां पर आते हैं ये छूटा माइनस 2 माइनस 0 तो माइनस ऑफ माइनस 2 आ गया ये। अच्छा यहाँ पर ट्रांसपोज लगा रहिएगा, ट्रांसपोज होता है, फिर यहाँ पर आए 0 माइनस 6 यानी कि प्लस 6 हो जाएगा ये छूटा 0, ये हो जाएगा माइनस 2 तो माइनस ऑफ माइनस 2, फिर ये छूटा 3 प्लस 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 5। अब ट्रांसपोज का निकाल देते हैं फटाक से हम लोग, तो हो जाएगा 3 1 2 2 1 2 6 2 5, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए है। अब एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ गया, अब हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हमें अब चाहिए क्या, ए इनवर्स। अब हमको पता है सिंस ए इनवर्स जो होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, आप जानते हैं भाई ध्यान से, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपको पता कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग को डायरेक्ट 1 बाय 1, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वही मेरा ए इनवर्स का काम करने लगेगा। 3 2 6 1 1 2 2 2 5, ये देखिए ये ए इनवर्स आपके पास आ गया। अब हमें निकालना है एक्स, एक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स इनटू बी, ये सब आपको पता है, बस हम लोग को सॉल्व करते हुए चले जाना है। 1 1 2 2 2 5, यहाँ पर आ गया माइनस 5 माइनस 4 एंड 4, ठीक है चलिए सॉल्व करते हैं फटाक से। माइनस 15 माइनस 8 प्लस 24, फिर माइनस 5 माइनस 4 प्लस 8, फिर माइनस 10 माइनस 8 प्लस 20। देखिए सॉल्व करेंगे इसको जवाब तो क्या मिलेगा आपको, पहला वाला 1, दूसरा वाला माइनस 1 और तीसरा वाला 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई माइनस 1 और z की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई। देखिए ध्यान से 1 माइनस 1 एंड 2, अब इसमें चेक कर लेते हैं, 1 पुट किया 1 माइनस 1 एंड 2, तो 1 पहले वाले में पुट कर रहा हूं माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 1 यानी कि माइनस 5, पहला करेक्ट हो रहा है। दूसरा पुट करते हैं तो माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 ये भी करेक्ट हो रहा है। तीसरा लाइन पुट करके देख लीजिए तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 ये भी करेक्ट हो रहा है। मैंने आपको बताया था कम से कम 2 इक्वेशन पुट करके जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि भाई सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, ठीक है ये चीज ध्यान रखिएगा। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, और इसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, ये एक साल अटैच किया गया था कि भाई कुछ पेपर पैटर्न जब चेंज हुआ था ये ईयर 2017 में, तो जब पैटर्न चेंज किया गया था तो उसमें बताया गया था कि भाई अब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने जो ये मार्टिन रूल था इसको हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना शुरू करवाया था, लेकिन फिर जैसे ही आपके पास फिर से न्यू पैटर्न आया जिसमें कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हट गए तो फिर से इस पर से वर्ड प्रॉब्लम्स अपने मन से खत्म हो गए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स जो है अब आने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन बुक में है तुमको सॉल्व तो करना पड़ेगा भाई। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया, मैं वर्ड प्रॉब्लम का इक्वेशन बना के आपको दे देता हूँ, आप उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई टेंशन होता है कि भाई नहीं सॉल्व हो रहा इक्वेशन के बाद भी, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं सोल्यूशन करना बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, तो जो अच्छे क्वेश्चन उनको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाना इज लिटिल बिट टफ टास्क, लेकिन आपको कोई भी डाउट कहीं पर भी होता है आप वहीं पर रुक जाइए और वहीं पर कमेंट करिए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड जरूर किया जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज एक्स, तो लेट नंबर्स बी एक्स वाई एंड जेड,
तो हमको दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6 इक्वेशन 1। इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड एड सेकेंड टू इट वी विल गेट 11। देखिए भाई लिखा है इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 यानी कि 3z एंड एड सेकेंड टू इट यानी कि y एड करते हैं इसमें देन वी गेट 11। ये इक्वेशन 2 हो गया। तीसरा बोला बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट द डबल ऑफ द सेकेंड नंबर यानी कि x प्लस जेड जो होगा ये 2y के इक्वल होगा यानी कि x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 का ये इक्वेशन नंबर 3। ये देखिए 1, 2 और 3 ये तीन इक्वेशन बन गए। इसी को सॉल्व करके आपको आंसर निकाल लेना है, ठीक है। इसमें कोई टेंशन आपको नहीं होना चाहिए, बड़े प्यार से आराम से सॉल्यूशन इसका निकाल देंगे आप लोग। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, बड़े प्यार से निकल जाएगा आपका पास, ठीक है। चलिए अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है, लिखा एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमारे पास 1, 2, -3, 2, 3, 2 फिर 3, -3 एंड -4। कहा फाइंड ए इनवर्स यूजिंग दिस द सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ दिस, वो तो अलग बात है। फिलहाल ए इनवर्स निकालने को बोला, पहले ए इनवर्स हमको निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। देखिए 1, -12, +6, -2, -8, -6, -3, -6, -9 अब देखिए कितना गई -6 ये हो जाएगा कितना भाई 14, 2 जा 28 +28 ये हो जाएगा कितना 15, 3 जा 45 +45 तो इसमें 6 जाएगा तो आपको बस बचेगा कितना भाई 39 39 प्लस 45 प्लस हमें 22 करना है तो ये 7, 6 यानी कि आ गया 67। एक बार और क्वेश्चन में चेक कर लो भाई क्योंकि बड़ी बड़ी क्वांटिटी आ रही है 1, 2, -3, 2, 3, 2, 3, -3 एंड -4। चलिए ए इनवर्स के लिए हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो हमारे पास है ए इनवर्स के लिए वन बाई डिटरमिनेंट ए हमारा 67 आ रहा है 1/67, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग पहुंच गए वैल्यू पर, वैल्यू हमारी आ गई कितनी थी 67 विच इज नॉन जीरो। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप यहां पर, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा सॉल्यूशन आ गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है भाई, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम लोग फटाफट से। देखिए भाई एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करेंगे, -12 + 6 यानी कि -6 -9 ये छूटा ये छूटा -8 -6 -8 -6 -14 तो यहां पर -14 फिर तीसरा छूटा -6 -9 यानी कि -15, ठीक है। फिर यहां पर -8 -8 -9 यानी कि -17 फिर यहां पर आएंगे हम लोग -4 + 9 यानी कि 5 फिर अच्छा इसको ब्रैकेट क्लोज करके यहां पर टी बना लीजिएगा भाई, ट्रांसपोज करेंगे फिर यहां पर है तो ये 4 + 9 यानी कि 13। ओह ये छूट गया मेरा 2 वाला, ये आ जाएगा -3 -6 यानी कि -9। अब देखिए यहां पर आएंगे 2 + 6 2 + 6 यानी कि हो जाएगा कितना 8 फिर यहां पर आएंगे 3 - 4 यानी कि -1। अब इसका जब आप ट्रांसपोज करेंगे देन यू विल गेट द रिजल्ट, तो -6 14 -15 फिर यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना 17 5 9 13 -8 -1 ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। मैं इसका आंसर फटाक से चेक कर लेता हूँ ताकि फिर आपको भाई कैलकुलेशन की गलती हो तो मैं उसको करेक्ट कर दूँ, नहीं तो फिर आप ऐसे खोजते रह जाएंगे गलतियाँ इसमें। -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है आंसर, ठीक है।
अब हम लोग को ए इनवर्स निकालना था जो, तो ए इनवर्स जो होगा 1/67 एंड एडजॉइंट ऑफ ए -6, 17, 13 फिर 14, 5, -8, -15, 9 एंड -1, ये आपका ए इनवर्स आ गया। ठीक है, अब कहा है इसको यूज करके कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं। इक्वेशन में लिखता हूं x+2y -3z = -4, 2x+3y+2z = 2, फिर दिया 3x-3y -4z = 11। ये इक्वेशन को कहा है इससे सॉल्व करिए। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग किसमें लिखें, अपने मैट्रिक्स मेथड में लिखें अगर, तो देखिए 1, 2, -3, 2, 3, 2, 3, -3, -4, तो यहाँ आएगा आपके पास कितना x, y, z, और यहाँ पे कितना आएगा भैया आपके पास -4, 2 एंड 11, ये आपके पास आ गया ये सॉल्यूशन इसके लिए। तो ये जो देखिए मैट्रिक्स जिसको हम ए सपोज करने वाले हैं वो, और ये मैट्रिक्स देखिए सेम है, देखिए ध्यान इधर डिट्टो चिपका हुआ मैट्रिक्स है। तो यानी कि हमको चाहिए क्या होता है, जो एक्स होता है किसके इक्वल होता है भाई मेरा, मान लीजिए इसको मैंने बी मान लिया क्योंकि ए पहले से गिवन है तो हम इसको ए नहीं मान सकते, तो इसको बी मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको सी मान लिया, एक्स इक्वल टू जो होगा किसके इक्वल होगा भाई बी इनवर्स सी के इक्वल होगा, बी इनवर्स सी के इक्वल होगा। अब सिंस हमको पता है ए इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को पता है ए इज इक्वल टू क्या है बी, दिस गिव्स ए इनवर्स किसके इक्वल होगा मेरा बी इनवर्स के इक्वल होगा, देयरफॉर हम लोग बी इनवर्स की जगह क्या यूज कर सकते हैं ए इनवर्स यूज कर सकते हैं और उसको सी से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा एक्स होगा 1/67 -6, 17, 13, 14, 5, -8, -15, 9, -1 और यहां हो जाएगा आपके पास -4, 2 एंड 11। ठीक है भाई, चलिए 1/67 फिर आते हैं तो ये 24 हो जाएगा, 17 × 2 = 28 हो जाएगा, 13 × 11 हो जाएगा आपका 130, 130 + 13, 143, फिर आ जाएगा 14 × 4 = -56, 5 × 2 = 10 -88, फिर आ जाएगा 16 + 18 - 11, तो ये आपका आ जाएगा 1/67। फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं भाई, मेरे एडिशन तो आपको जानते ही हैं बड़ी तेज है मेरी एडिशन, तो मैं बहुत तेज करता हूँ। देखिए भाई 24 + 28 + 143 ये हो जाएगा 195, 17 × 28 मैं लिख दिया हूँ, 34 होगा भाई, ये गलत हो गया, ये मैंने कहा था मैं कैलकुलेशन बहुत तेज है, मैंने कैलकुलेशन पर उसका एकदम मत करिएगा आप लोग, 143, 201, देखिए ये आ गया 201। अगला हम लोग का आएगा 88 + 56 - 10, 134 - साइन के साथ, फिर आएगा 60 + 18 - 11, ये आ गया आपका 67। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3 - 2 एंड 1, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई आपके पास -2 और z की वैल्यू आ गई आपके पास 1, ये आपके पास सॉल्यूशन हो गए। इसका भी मैं आंसर चेक कर लेता हूँ ताकि आपको भाई फिर से चेक करना 3 - 2 एंड 1, तो ऐसे आप पुट करके भी चेक कर सकते थे, मैं तो यहां से भी चेक कर लिया बुक से भी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 एकदम एक जैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा देखते हैं क्या अलगाववादी नीति उसमें अपनाई गई है, अलगाववादी नीति को हम लोग अपनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 9 सेम है क्वेश्चन है, एक ए दिया है फिर एक सॉल्यूशन करने का है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अब सिंगल क्वेश्चन जो है उसमें कुछ क्वेश्चन तो आप ट्राई करने के लिए आपको चाहिए ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, एक ए दिया है, देखिएगा ध्यान से कि 3, 5 - 2 and 3। कहा पहले इसका ए इनवर्स आप बताओ मैं, तो भाई पहले तो ए इनवर्स हम निकाल लेते हैं फिर आगे चलते हैं। पहले तो ए इनवर्स निकाल लिया जाए, देखिए भाई ध्यान से, ए इनवर्स निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो 9 - 10 तो +10 यानी कि 19 हो जाएगा, ये 9 + 10 यानी कि 19 विच इज नॉट जीरो, तो भाई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं हम लोग। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आएगा भाई, 3, 3 - 5 and 2, हम लोग को ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स होगा 1/19, 3 - 5, 2 and 3, ये आपके पास आ गया ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। अब कहा है इसको यूज करके, आप ए इनवर्स को यूज करके आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन में, कि एक इक्वेशन दिए गए हैं कुछ, उस इक्वेशन को मैं लिख दूं पहले भाई, 3x - 2y = 5x + 3y = 7 = 1। चल अब हम लोग इसको फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, 3 - 2, 5, 3, यहाँ एक्स वाई, यहाँ पर हमारे पास 7 and 1, इसको माना b, इसको माना x, इसको माना c, क्योंकि a पहले से गिवन था इसलिए b लेंगे, x = b inverse c। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स में क्या रिलेशन है, तो ट्रांसपोज का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, ट्रांसपोज का, थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ट्रांसपोज का रिलेशन है, यानी कि जो b है वो a ट्रांसपोज के बराबर है। देखिए ध्यान से, इसका ट्रांसपोज ही ये है, रो टू कॉलम इंटरचेंज करिए, देखिए सेम ही आंसर आ जाएगा भैया, ठीक है। तो b जो है a ट्रांसपोज के इक्वल है, तो b इनवर्स जो होगा वो a ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको बताया जा चुका है कि भाई ट्रांसपोज और ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ये देखिए इसके बराबर हो जाएगा, a इनवर्स का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में इंडेक्स के तरीके से समझ सकते हैं, इंडेक्स का रूल नहीं रहता, लेकिन ये कह सकते हैं उस तरह से कि इंडेक्स आपस में क्या कह जाता है, इंटरचेंज। तो यहां पर जो b इनवर्स होगा मेरा वो होगा मेरा 1/19 और 3, 2 - 5 and 3, ये आ गया हमारे पास b इनवर्स। हमें निकालना है x, x जो होगा 1/19 b इनवर्स इनटू c, c की वैल्यू कितनी 7 1, चलिए बस सॉल्व करते हैं फटाफट, 1/19 21 + 2 - 35 + 3, ये कितना हो जाएगा, 1/19 आपके पास हो जाएगा 23 and 32, तो आपके पास x जो हो जाएगा 23/19 एंड y जो हो जाएगा -32/19 हो जाएगा। मैं आंसर फटाक से चेक कर देता हूँ ताकि आपको फिर से चेक ना करना पड़े, 23/-32/19, देखिए भाई ये क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसपोज रिलेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रहे दिमाग में। चलिए अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 11 पर, धीरे धीरे करते हुए 11 पर हम लोग आ गए। अच्छा 11th क्वेश्चन जो है ये भी सिमिलर कुछ इसी टाइप का ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, बस 10 में 2x2 मैट्रिक्स था और 11 में 3x3 का मैट्रिक्स है, वो भी रिलेशन ट्रांसपोज का ही है। अब उसको आप चाहिएगा ट्राई करिएगा, अगर आपसे फंस जाता है तो फिर हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्योंकि 11th वाला क्वेश्चन सेम 10th वाले जैसा ही है, सेम यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस वहां पे ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x3 इक्वेशन है, सब बस 3x3 है और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 पर अब आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आइएगा, इसको अगर 11 करने में फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछिएगा, आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हमें एक मैट्रिक्स ए और बी कुछ दिए गए हैं, तो ए और बोला कि ए बी फाइंड करें, तो ए बी मैं टाइट कर देता हूं भाई, वन जानते हैं बोर्ड थोड़ी छोटी है मेरी, आप लोग का अगर प्याज इस तरह बना रहा तो हो सकता है मैं भी फ्यूचर में कभी ना कभी डिजिटल बोर्ड जरूर लगवा लूं। चलिए 11 - 5 - 14, तो जैसे हम लोग टाइम वेस्ट होता है रब करने में और इस सब में, ये सब से हम लोग बच जाएंगे। चलिए अब आते हैं ये ए बी हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग चलिए भाई निकालते हैं पहले ए बी, देखिए 11
प्लस टू प्लस 21, सॉरी माइनस 21, 11 प्लस टू माइनस 21, माइनस 5 प्लस टू प्लस 3, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 14 प्लस 4 प्लस 18, नहीं माइनस 4 होगा भाई, फिर ये आएगा आपका 11 माइनस 4 माइनस 7, ये आपके पास आएगा माइनस 5 प्लस 4 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 4 प्लस 1, 11 प्लस 2 माइनस 21. मैं क्वेश्चन कुछ गलत लिख लिया हूं क्या? 1 माइनस 2 एंड 3, 1 4 1, 1 माइनस 3 2, 11 माइनस 5 माइनस 14, माइनस 1 माइनस 1 2, माइनस 7 1 एंड 6. माइनस 5 माइनस 4, ये गलत हो गया था भाई, ये ध्यान दीजिएगा. चलिए फिर आते हैं यहां पर, माइनस 14 प्लस 8 प्लस 6, यहां पर आएगा 11 माइनस 2 प्लस 3, फिर ये माइनस 14, फिर यहां पर आएंगे तो माइनस 5 प्लस 3 प्लस 2, फिर यहां पर आएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 14 माइनस 6 प्लस 12. अब देखिए यहां पर हमारे पास आएगा कितना, 13, 28 में से 13 जाएगा तो माइनस 8, 0 0 0 माइनस 8, 0 0 0 एंड माइनस 8, यानी कि माइनस 8 इंटू I3 आ जाएगा. ये ध्यान दीजिएगा, तो AB की वैल्यू जो आई मेरे पास, यहां मैं लिख देता हूँ AB इक्वल टू माइनस 8 I3, इसको आप बॉक्स में क्लोज करके रख लीजिएगा. अब थोड़ा आप ध्यान दिए होंगे तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में यहाँ पर वेट करने लगा था कि यहाँ कुछ गलती हो चुकी है, मैं इसके बाद क्वेश्चन मैच कर रहा था. अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलती हुई होगी? ये तो मुझे भगवान के सपना में बता देने गए होंगे, और मैं आपको बता चुका हूँ मैं आप एक सामने सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके मैं पहले कोई रखा नहीं रहता हूँ, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है मुझे सॉल्व करने में, क्योंकि आप एक साथ मैं भी सॉल्व करता हूँ. ठीक है, ये पता लगा मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन पढ़ाते हुए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं पूरा सॉल्व करके कहीं बुक में रखा हुआ हूँ, सॉल्यूशन मैं आप ही के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ बस. ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा एक ट्रिक समझ लीजिएगा. ट्रिक क्या है कि ट्रिक ये है कि AB की वैल्यू जब भी कहे फाइंड आउट करने को, AB की वैल्यू फाइंड आउट करके कहे इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, तो ये हमेशा K into I ही आएगा. AB की वैल्यू हमेशा K into I आती है, तो K हमेशा सेम होना चाहिए. सेम होने का मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए और बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए. तो इसीलिए जैसे मैंने यहां पर टाइम लगाया है, अगर मैं टाइम नहीं लगाता मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि मुझे ये पहले से पता था, लेकिन आपको नहीं पता था, आपको दिखाने के लिए मैंने टाइम लगा के सॉल्व किया, और अब आप इस बात पर भरोसा कर लेंगे कि AB की वैल्यू हमेशा K into I आती है, K कोई भी एक नंबर हो सकता है. तो इसीलिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस पहला एलिमेंट आपको ध्यान से सॉल्व करके निकालना है एकदम एग्जैक्ट करेक्ट कैलकुलेशन के साथ. इसके बाद यही डायगोनल में भर देना, बाकी सारे एलिमेंट जीरो भर दो, फटाक से आपका AB की वैल्यू निकल आएगी. कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास होता नहीं, कोई बैठ के चेक करेगा और ये एग्जैक्ट आंसर आएगा हमेशा, कोई गलती की बात भी नहीं है. ठीक है, तो AB की वैल्यू के बारे में आप समझ गए भाई. अब आते हैं हम लोग आगे. अब आगे हमारे पास कहा है, कहा एंड यूज दिस रिजल्ट टू सॉल्व x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस टू जेड इक्वल टू सिक्स ट्वेल्व एंड वन, सिक्स ट्वेल्व एंड वन, ये सॉल्व करने को दिया. ठीक है, चलिए भाई इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं हम लोग फटाक से. तो 1 माइनस टू थ्री, 1 4 1, 1 माइनस थ्री टू, यहाँ हमारे पास आ गया x, y, z, यहाँ पर आ गया आपके पास 6, 12 एंड 1. ये देखिए अब इस मैट्रिक्स को कुछ a और b हमको दे चुका है, तो c मान लेते हैं, x मान लेते हैं, उसको d मान लेते हैं, x इक्वल टू c इनवर्स d होगा. ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो जो ये मैट्रिक्स a है और मैट्रिक्स जो हमारा c बना है, ये देखिए दोनों सेम है, यानी कि हमको पता है सिंस A is equals to C, therefore C inverse equals to A inverse. C inverse किसके इक्वल हो जाएगा भाई? A inverse के इक्वल हो जाएगा. ये आपको बोल सकते हैं भाई.
दो साइड का इनवर्स ले लिया गया। अब हमको पता है सिंस ए बी इक्वल्स टू हमको चाहिए माइनस एट आई, हमको पता है हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स दोनों साइड में क्या कर देते हैं, ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू माइनस एट आई माइनस ए इनवर्स इंटू एट आई। ठीक है, तो यहां से ए दोनों कट जाएंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, माइनस वन बाई एट इंटू बी। भाई इधर उधर ट्रांसफर किया गया, कुछ खास है नहीं, आपको पता है एट पहले आ जाएगा और मैट्रिक्स से जब भी आई मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर वो मीनिंगलेस हो जाता है, तो ए इनवर्स इक्वल टू माइनस वन बाई एट ऑफ बी आ गया। देखिए इसी से बचने के लिए से ए इनवर्स हमको नहीं निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, हम लोग डायरेक्ट यहां पर आ जाएंगे। हमको पता है एक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, सी इनवर्स इंटू डी, और सी इनवर्स वन बाई एट हमको पता है इलेवन माइनस फाइव माइनस फोर्टीन माइनस वन माइनस वन टू माइनस सेवन वन सिक्स और इधर आएगा सिक्स ट्वेल्व एंड वन। अब देखिए फटाक से हम सॉल्व करते हैं, माइनस वन बाई एट कितना आएगा भाई, सिक्सटी सिक्स माइनस सिक्सटी प्लस फोर्टीन सॉरी माइनस फोर्टीन, क्या कुछ कैलकुलेशन गलती नहीं ना भाई, एक बार देख लूँ मैं, सिक्सटी सिक्स माइनस सिक्सटी माइनस फोर्टीन तो फिर आएगा माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व प्लस वन सॉरी प्लस टू 18 में से 216 इस वाले कुछ गलती लग रही है मुझे, 12 माइनस 14 ये बचेगा 6, चलिए चेक कर लीजिए, माइनस 42 प्लस 12 प्लस 6। अब देखिए पहले वाले बच गया माइनस 1 बाई 8, पहले वाले पे आपको बच गया माइनस 8, दूसरे वाले बच गया आपके पास माइनस 16 और तीसरे वाले बच गया कितना, एट सिक्स माइनस होगा 36, 36 में से 12 माइनस होगा 24, माइनस 24। ठीक है, अब जब इसको आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा भाई, 1 2 एंड 3, यानी कि x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और z की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ये आपके पास सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखिए 13 और 14 जो है होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको अगले लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग का आज वीडियो आप यहीं पे एंड करते हैं और फिर वही बातें फिर से पुरानी कि भाई आपको वीडियो आपको पसंद आया हो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से ताकि हम लोग जल्दी जल्दी और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि क्वालिटी एजुकेशन जो पे जो सबका हक है उसको जरूर दिया जा सके। फिर कोविड के केसेस जैसे आपको पता है डे बाय डे बढ़ रहे हैं, अब आजकल कुछ नया ब्लैक फंगस या कुछ इस टाइप का कुछ भी एक और आ गया है बीमारी, तो आप भाई अपने आप को सेफ रखिए और घर को भी सेफ रखिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करिए भाई, और हाथ धुलते रहिए, मास्क यूज़ करिए और जो जो चीज़ें आपके प्रिकॉशंस के सब यूज़ करते रहिए। फिर मिलते हैं आप और चैनल पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।